शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष 26 सितंबर 2022 से हो रहा है। माता रानी धरती पे हाथी पे सवार होकर आ रही है। माता की सवारी हाथी होने से बहुत ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। सुख समृद्धि धन वैभव लिए माता रानी इस वर्ष आ रही है। इस वर्ष कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त संपूर्ण दिन रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5:35 तक आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से 12:45 तक रहेगा। आइए बात करते हैं कि आज के दिन पूजा अर्चना किस तरीके से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नहा धो लेना चाहिए। नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद एक पटरे पे लाल वस्त्र बिछाना चाहिए, उसके ऊपर गंगा जल डालना चाहिए, उसके ऊपर माँ का स्वरूप बिठाना चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसलिए माँ के स्वरूप को बिठाइए। उसके बाद आप माँ को फूल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, गंध चढ़ाइए, सिंदूर और अक्षत चढ़ाइए। माँ को फल और मिठाई दोनों का ही भोग लगाइए। माँ को इत्र अति प्रसन्न है, इसलिए पूरे 9 दिन माँ को इत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। पहले दिन अगर आप माँ को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे तो माँ को अति प्रसन्नता होगी। इसके बाद कलश स्थापन करिए। कलश स्थापन के लिए कलश लिया जाता है, कलश पे जल भरा जाता है, थोड़ा सा गंगा जल डाला जाता है, उसमें सुपारी, धुन लौंग, थोड़ी सी दक्षिणा, चावल और हल्दी की गांठ डाली जाती है, थोड़ा सा इत्र या गंध भी डाला जाता है। इसके बाद उसमें 5 या 7 आम की पत्तियां रखी जाती है और कलश के ऊपर नारियल पधारा जाता है। नारियल लाल कपड़े में बंधा होता है। कलश को भी रक्षा सूत्र से बांध दिया जाता है ताकि माँ का आशीर्वाद उसमें प्राप्त रहे। कुछ घरों में जौ का भी रिवाज है, जौ बोने का। जौ बोने से ये कहा जाता है कि जितनी अच्छी जौ उगेगी उतना माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बर्तन में आप गंगा युक्त मिट्टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर डालिए और जौ के बीज डाल दीजिए। जितनी अच्छी आप उसकी सेवा करेंगे, जितना अच्छी जौ निकलेगी उतना माँ का आशीर्वाद होगा। प्रथम दिन आप संकल्प लीजिए माँ की व्रत का। जो लोग 9 दिन फास्ट रखते हैं वो 9 दिन का संकल्प लेंगे। जो फर्स्ट और लास्ट डे व्रत रखते हैं वो फर्स्ट और लास्ट डे का संकल्प लेंगे। और इसके अलावा आप मंत्रों का भी संकल्प ले सकते हैं। 11,000, 21,000 इस तरीके के मंत्रों का संकल्प ले सकते हैं और 9 दिन में किसी भी एक मंत्र को, माँ के मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। क्लिंग क्लिंग चामुंडाए मिच्छे, ये मंत्र सबसे अच्छा होता है, माँ को अति प्रिय है, इसलिए इस मंत्र का संकल्प ले लीजिए। और 9 दिन में आप जितना भी आप संकल्प ले रहे, जैसे 11,000, तो 11,000 को डिवाइड कर दीजिए 9 भागों में 9 दिन में और उत मंत्र पढ़े पढ़िए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होगा। मैं पंडित शुभ्रा सिद्धि आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता।